हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं अपना हॉस्टल का टूर लेके आया हूँ। सो मैं आज बताऊँगा कि मेरा हॉस्टल कैसा है, इंटीरियर भी बताऊँगा, अंदर से भी मेरा रूम सब कैसे है सब बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं बाहर से। ये अपना हॉस्टल का फ्रंट साइड है एंड इसी के पास एक छोटा सा शॉप है। ये रहा, ये छोटा सा शॉप है जहाँ करके हम लोग का डेली नेसेसरी चीज़ सब मिल जाता है। एंड अभी 5-6 दिन पहले की बात है और हॉस्टल का यहाँ आग लग गई थी। नीचे रशियन लोग का है, मतलब यहाँ का लोकल लोग का है। एंड यहाँ पर आग लग गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक टाइप की लगे हैं। मेरे पास छोटा छोटा फोटेज भी है, मैं आपको इस पर डाल दूँगा। ये हॉस्टल की पीछे की साइड है एंड ये नीचे वाला है जी, यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं क्योंकि हम लोग का हॉस्टल जो है ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ही हम लोग का है, हम लोग बच्चे रहते हैं हम लोग हॉस्टल के। एंड हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं, हॉस्टल का अंदर देखने वाले हैं। और जो ये पीछे धूप हो रहा है इसका ऊपर मत जाइएगा। अभी है हम लोग का -19 डिग्री, लगभग -20 डिग्री। एंड यहाँ धूप बहुत धोखा देती है, धूप पे मत जाइएगा, बहुत ठंड है। हाथ देख सकते हैं सून हो चुकी है। सो चलते हैं हॉस्टल के अंदर, हर जगह यहाँ बर्फ़ ही बर्फ है। सो एंड बाहर में भी बहुत ज़्यादा देर रहने नहीं होता है विदाउट ग्लोव्स एंड स्वेटर जैकेट के। ये जब एंट्री करेंगे तो इंटीरियर कुछ ऐसे है। पहले भगवान का फोटो है इधर, कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। फिर जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ कुछ लॉन्ड्री रूम है नहीं, जैसे दो वॉशिंग मशीन है, एक ख़राब है, एक दूसरा चल रहा है। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। ये फर्स्ट फ्लोर और इधर जो है ये गर्ल्स फ्लोर है। यहाँ हम लोग का जाना मना है तो मैं जा नहीं पाऊँगा इधर। एंड इस साइड पूरा हम लोग का बॉयज का सब हॉस्टल है, रूम सब है। एंड इधर लास्ट ये है मेस। ये अपना मेस है, जबकि अभी शाम के 4 बजे हैं तो खाली है। सो चलिए हमारा रूम देखते हैं, रूम कैसे है इंटीरियर। पहले रूम का इंटीरियर पे यहाँ पर है शूज का, यहाँ जैकेट वगैरह रखने का। एंड ऊपर पे क्या है कुछ पता नहीं, फिर भी हम लोग शूज रखे हैं। एंड ये जैसे दो अपार्टमेंट टाइप का है लेकिन रूम एक ही है। यहाँ पर देखिए भाई और पीयूष भाई का रूम। यहाँ पर ऐसे बंकर बेड मिलेगा, जैसे दो अंदर पे दो बंकर बेड। एंड यहाँ पर ऐसे रखने के लिए आपको मिलेगा कुछ तो सामान रखने के लिए अपना। एंड वहाँ पर पढ़ने के लिए एक टेबल एंड एक चेयर मिलेगा। यहाँ पर भी मुस्कुराते हुए पीयूष भाई पढ़ रहे हैं। एंड इधर है एक ग्लास है अपना रेडी वगैरह होने के लिए। एंड यहाँ पर ये है कि कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि हम लोग इंडियन तरीका नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अपन तार उड़ नहीं बांध सकते यहाँ, क्योंकि चेकिंग वगैरह भी आते हैं हर 7-8 दिन पे। सो यहाँ पर ये सुखाने के लिए एक है। एंड अंदर पे बंकर बेड था दो। एंड यहाँ है, ये है मेरा बेड एंड ऊपर भी है एक का। सो अंदर पे इसे पढ़ने का था, यहाँ पर भी टेबल दिए हैं एंड यहाँ पर चेयर और एक यहाँ पर बेड। यहाँ पर है अपना खिड़की और ये है बाहर का व्यू। एंड यहाँ का जो विंडो रहेगा वो कैसे खुलता है देखिए, ये कैसे खुलता है आधा, ठीक है। एंड और एक रहेगा जिससे ऐसे और एक खुलता है, लेकिन बर्फ से ये जम गया है नीचे तरफ तो इसलिए खुल नहीं रहा है।
बर्फ से जम गया है फूल मेरा। एंड जैसे बाहर पे अभी -20 डिग्री है, -19 डिग्री है, तो अंदर पे हमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये है हमारा रूम हीटर जहाँ पर कि हॉट वाटर गर्म पानी इस पर हर देर फ्लो करते रहता है। तो यहाँ पर मैं एक जुगाड़ लगा हूँ, यहाँ पर एक ग्लास पे रख देता हूँ पानी, वो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा, आपको ये देखने से लगेगा कि यहाँ पर हम किचन मतलब कुछ बना ना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग का हॉस्टल भी ऐसा है कि अपना सेल्फ कुकिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो वाटर हीटर रखे हैं, जैसे कुछ बॉयल कर सकते हो या चाहे उस तब तक कर सकते हो, बाकी इंडक्शन अलाउड नहीं है। ये रहा, ऐसे आपको दो मिलेगा जहाँ पर आप ऐसा अपना खाने वाने का सामान वामान रख सकते हो। मैंने सजाया नहीं है, मैं सीधे ही ऐसे ही वीडियो बना लिया हूँ। मैंने आपको एक फ्रिज मिलेगा, डस्टबिन टॉयलेट, अपना बाथरूम टॉप टॉयलेट, यहाँ का टॉयलेट इतना है, छोटा है। इस पर क्या होता है, हॉट टॉयलेट पे आपको कोको कोला स्प्राइट का बोतल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिश्यू पेपर टॉयलेट पेपर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जो इंडियन हैं सब बोतल लेके इस पर काम चलाना पड़ता है। एंड यहाँ पर आपको ऐसे कपड़ा वपड़ा रखने के लिए मिलेगा है सर, जैसे अंदर पे दो लोग रहते थे उन लोग को मिला था, हम लोग बाहर पे तीन रहते हैं इधर, तो तीनों के लिए यहाँ आप किताब उताब सब रख सकते हैं, अपने जो नेसेसरी चीज़ें देखता है। बाकी सर जो वो हमारा रूम था, अभी दूसरा रूम टूटा हुआ है। अभी जो मैं अभी रूम बताया, मेरा रूम वो था 5 लोगों का रहने का, एंड ये है 4 लोगों का रहने का। तो हर रूम पे ही हम लोग का सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे ऐसे ही गर्ल्स रूम है और सेम रूम है, जैसे अभी यहाँ जिसे रूम देख रहे हो अब ऊपर पे भी सेम रूम है, हम लोग का जो रूम है उसका ऊपर पे भी सेम रूम है। तो एंट्री करने के साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा शूज के, यहाँ जैकेट रखने के लिए, एंड यहाँ पर ऐसे ही जैकेट वगैरह रखने के लिए सब सेल्फ मिलेगा। फिर ये सब इन लोग को सीधे घुसा दिए हैं, ये ट्रॉली बैग भी रख दिए हैं अंदर। एंड यहाँ पर है भाई लोग, अपना संडे है, हॉलीडे भी चल रहा है, एंड यहाँ देवेंद्र भाई पढ़ रहे हैं, ये क्रिकेट देख रहे हैं माधवेंद्र भाई। और यहाँ हर रूम पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे मिनी फ्रिज वगैरह हो गया, एंड हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों का सप्लाई होता है 24 आवर। एंड ऐसे नहीं है कि इंडिया जैसे लाइन भी कटता है, यहाँ हर समय लाइन भी रहता है। एंड देखिए ये है विंडो के बाहर का अपना व्यू, शायद यहाँ खिड़की खुल जाए, देखिए हाँ ये है, कैसे खुलेगा अगर ज़्यादा वेंटिलेशन चाहिए, एयर वेंटिलेशन तो ऐसे, एंड दूसरा अगर कम चाहिए तो ऐसे, दो तरह का खोल सकता है यहाँ। एंड हम लोग यहाँ पर -19 से 20 डिग्री है उससे फिर भी, लेकिन हम लोग के रूम हीटर के लिए, हर रूम पर रूम हीटर है, तो रूम हीटर के लिए ही हम लोग को यहाँ स्वेटर वगैरह कुछ पहनना नहीं पड़ता, बंदा इतना इतना ठंड पर हम लोग रह नहीं सकते। एंड यहाँ पर भी ऐसे कपड़ा वड़ा फेंक के रखे हैं इन लोग, लेकिन कपड़ा ये सुखाने का है। और ये रहा अपना स्प्राइट कोको कोला वाला जगह, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, समझदार लोग समझ जाएंगे ये। तो इतना ही सब ठीक है। और माधवेश भाई हॉस्टल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, फैसिलिटी सब अच्छी है, बहुत बढ़िया। मैं खुद का अगर रिव्यू दूँ तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, इसके बाद मैं मेस का भी वीडियो बताऊंगा आपको। और जो यहाँ का खाना है दो टाइम मिलेगा आपको, जैसे कि लंच एंड डिनर मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मिलेगा। शाम को हमारा रूम पे गुजरात स्पेशल क्या बनता है भाई, चाय, स्पेशल चाय। और ये दोनों आए हैं, लाइन पे लगे हैं अभी हम लोग का ठेला का, जो अब चाय पीने के लिए। और जो महक है भाई वो तो मैं आपको सुंघा नहीं सकता, फिर भी दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया महक है, स्मेल बहुत बहुत खतरा है, खतरनाक है। और एक ग्राहक भी आ गए चाय पीने के लिए। मैं चाय नहीं पीता। हाँ
Thank you.